इसराइल का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के हर आतंकी का नाश। ईरान का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है। अमेरिका का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इसराइल को हिजबुल्ला से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन ईरान से बचाना है। मामला फंस गया है, इसराइल फिलिस्तीन युद्ध का फंदा अब ईरान और अमेरिका के गले में भी फंसता जा रहा है। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में उतार दिया है। आइजनहावर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह किस कदर का शक्तिशाली है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल में जाने से पहले जो बाइडन के भेजे इस युद्धपोत के भूमध्य सागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीजिए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रणभेरी बच गई है। ईरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। यूएसएस ड्वेट डी आइजनहावर सीवियन 69 अमेरिका ने इसराइल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है, युद्ध में कूदने की धमकी। ईरान ने कहा है कि इसराइल गाजा पट्टी पर तत्काल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा। बर असास दरकम अज वाकईयत मुकावमत बे जिनायतकारान जंगी व हामियान आनहा दर मंतगे हुशदार मिदहम के ता दीर नशुदे جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. شاید ساعات دیگر خیلی دیر باشد. लेबनन में हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्ला जब गाजा पट्टी से हमास ने इसराइल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इसराइल के खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित क्षेत्र में 5 इजरायली आउटपोस्ट पर हमले किए हैं। तो इस वक्त इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। अमेरिका का मदद के लिए पहुंचना भी तय माना जा रहा था। आपको आगे दिखाएंगे कि इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युद्धपोत नहीं उतारे हैं बल्कि आसमान में भी पहरा कैसे सख्त कर दिया है। लेकिन उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री का एक और वक्तव्य सुन लीजिए क्योंकि ईरान क्या करने जा रहा है। دریافتم که با توجه به سناریوهای در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود। ईरान की इसी बोली वाणी का रिएक्शन भूमध्य सागर में दिख रहा है जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के खिलाफ किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगभग तैयार खड़े हैं। जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है और आइजनहावर पहुंच रहा है। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका की इसके जरिए हिजबुल्ला या ईरान को चेताने की कोशिश है। अमेरिका इसराइल की यारी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है लेकिन उसकी डिटेल आगे, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक देश ही परमाणु शक्ति संपन्न है। फिलिस्तीन इसराइल युद्ध में तो कई परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? मंथन जारी है, यूएन खुला है, यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है। ईरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच ईरान से लेकर लेबनन तक खोल रहा है।